आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा और कई स्टेशनों पर भी गए होंगे। ज्यादातर स्टेशनों के अंत पर आपने देखा होगा कि जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल लिखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर क्यों लिखा होता है और इसका क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं आज इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर किसी रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में टर्मिनल लिखा होने का मतलब ये है कि आगे रेलवे ट्रैक नहीं है, यानी ट्रेन जिस दिशा से आई है वापस उसी दिशा में जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में फिलहाल 27 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां टर्मिनस और टर्मिनल लिखा हुआ है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल क्यों लिखा होता है। दरअसल रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल लिखे होने का मतलब है कि उस शहर में एक से अधिक रेलवे स्टेशन है और वो उस शहर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल लिखे होने का दूसरा मतलब ये भी है कि ये उस शहर का सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि रेलवे स्टेशन के अंत में जंक्शन क्यों लिखा होता है। दरअसल किसी स्टेशन के नाम के अंत में जंक्शन लिखे होने का मतलब ये है कि उस स्टेशन पर ट्रेन के आने जाने के लिए 3 से अधिक रास्ते हैं, यानी एक रास्ते से ट्रेन आ सकती है और 2 अन्य रास्तों से ट्रेन स्टेशन से जा सकता है, इसलिए ऐसे स्टेशन के नाम के अंत में जंक्शन लिखा होता है। अब आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।